पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमेशा की भांति आज भी हम लोग एक नई बात सीखने जा रहे हैं, जिसे ध्यान से देखें, सीखें और समझें, अपने मित्रों को भी बताएं। तो आज का जो विषय है, हम लोग अपने विषय की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे शरीर पर तिल, मसा आदि का जो चिन्ह होते हैं वो कितने शुभ और कितने अशुभ होते हैं, इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो आज का विषय जो है शरीरस्थ है तिल आदि का फल, यानी आज इसके बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे वो ध्यानपूर्वक आप सुने समझें। स्त्रियों के लिए बाएं भाग में तिल, मसा इत्यादि जो होते हैं वो शुभ के सूचक माने गए हैं, तथा पुरुष के लिए दाहिने भाग में जो तिल होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। यदि स्त्री के हृदय प्रदेश में तिल हो, हृदय पर तिल हो, तो वह सौभाग्यवती तथा दक्षिण स्तन पर यानी दाहिने स्तन पर रक्त वर्ण का तिल हो तो वह बहुत संतति, सुख और सौभाग्य से युक्त होती है। यदि बाम स्तन पर रक्त तिल हो तो उसे एक पुत्र होता है। यदि दाहिने स्तन पर तिल रहे तो उसे कन्या और पुत्र दोनों होते हैं। ललाट पर रक्त वर्ण तिलादि का चिन्ह राजप्रद होता है। यदि गाल पर लाल मस्सा हो तो नित्य मिष्ठान प्राप्ति कराता है। गोह्य स्थान से के दक्षिण भाग में यदि तिलादि हो तो वह राजपत्नी या राजमाता होती है। यदि नासाग्र नाक पर लाल चिन्ह हो तो वह राजपत्नी, यदि काला चिन्ह हो तो विधवा होती है। नाभि के नीचे यदि तिल का चिन्ह हो पुरुष को और स्त्री दोनों के लिए शुभप्रद होता है। यानी नाभि के नीचे यदि स्त्री और पुरुष का दोनों के नीचे, नाभि के नीचे यदि तिल का निशान हो तो शुभ कहा गया है। नाक, कान, गला, हाथ या कंठ पर तिलादि चिन्ह रहे तो उस स्त्री को प्रथम संतान पुत्र होता है, तथा वह सुख सौभाग्य युक्ता होती है। जंघा में तिल का चिन्ह हो रहे तो वह दुख कारक होता है। आगे देखते हैं, स्त्री के कपाल में यदि त्रिशूल सदृश चिन्ह रहे तो वह रानी, और पुरुष के ललाट पर यदि रहे त्रिशूल का चिन्ह तो वह राजा होता है। हृदय, नाभि, हाथ, नाक, कान, दक्षिण पीठ और नाभि व लिंग का के मध्य भाग में यदि मस्सा भी रहे, तिल भी रहे तो वह अशुभ होता है। कमर एवं गुप्तांग के भाग में यदि रोमवर्त, मस्सा, तिल है तो शुभ नहीं होता। यदि पेट में रोमवर्त हो तो वह विधवा होती है। पीठ के मध्य भाग में रहे तो व्यभिचारिणी। कंठ, ललाट, मांग या मस्तक मध्य चोटी में आवर्त रहे तो वह अशुभ होता है। सुलक्षणा युक्ता एवं सुचरित्रा स्त्री अल्पायु पति को भी दीर्घायु और प्रसन्न कर देती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।